संस्कृत के कलम जो भी बनाया उसमें संधि सब स्वर संधि की बात की थी, और स्वर संधि के मैंने आपको भेद भी बताए हैं। वो भेद मैंने आपको 8 वेद बताए थे, और 8 वेद में सबसे पहला वेद हमारा यण संधि का। यण संधि में कि मैंने आपको परिभाषा भी दी, यण संधि की मैंने आपको परिभाषा भी दी, और परिभाषा देने के पश्चात उदाहरण तक आ गया था। अब मैं यहाँ उदाहरण की बात करूंगा। यहाँ तो याद है तो कल मैंने वीडियो बनाया था और आप तक भेजा, तो उस वीडियो में यण संधि की परिभाषा है, परिभाषा के साथ साथ यण क्या होता है वो चीज भी मैंने बताई है। यण क्या होता है, ये व रे ल होता है, इसके अर्थात स्वरों की समान असमान स्वर आ जाए, स्वरों के आगे क्या असमान स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, यण आदेश हो जाता है। जैसे बताया ना, देखो पहला उदाहरण हमारा, पहला उदाहरण देखो ध्यान से देखना, एक एक चीज यहाँ क्लियर कर दी है, कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। एक बार ध्यान दोगे तो अपने आप संधि कर लोगे और समझ में आ जाएगा। हमारे पास स्थिति है यदि धन अपि, यदि धन अपि, ये हमारी मूल स्थिति है। यहाँ दो शब्द है यदि और अपि। संधि होती क्या है, प्रथम वर्ण का प्रथम जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण, और द्वितीय जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण, इनमें क्या होता है परस्पर संयोग होता है, मेल होता है। वहाँ जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन आता है वही क्या होती है, संधि। यहाँ देखो यदि धन अपि, यदि धन अपि, यहाँ यदि दी दी में ई की मात्रा, दी में क्या है ई की मात्रा है, अपि में है, तो ई और है दोनों क्या है स्वर है, तो ई धन है दोनों स्वर है। ई और ए मिल करके क्या बनते हैं, क्या बना ये, क्या बना ये, स्थिति हमारे सामने हो गई, क्या बना ये, तो क्या क्या ई और ए मिल करके क्या बना ये, आधा ये बना। तो स्थिति हमारे पास देखो ये का भी आ गया इस द में दी है, दी में से ई की मात्रा चलेगी तो आधा द बच गया, ये बच गया ठीक है, आधा ये आ गया, ई और ए, ई और ए मिल करके क्या ये बन गया, ये आ गया, तो क्या बन गया ये द ये बन गया। फिर अपि 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 का अपिया अपि हो गया। अब आपको सर ये अपि शब्द यहाँ क्यों आया, क्योंकि मूल शब्द जो इससे पूर्व मिलकर होता है, जो पहले वाला इसमें चेंज होता है, ये है ऐसा कैसा ठीक है, तो स्वर है पीछे जुड़कर के होता है, तो यदि धन अपि बन गया, क्या बन गया यहाँ यदि, यदि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्याकरणिक तौर से शुद्ध है, व्याकरणिक तौर से यद्यपि ठीक है। द और ये याद रखना, द धन ये बराबर बनता है ध्येय, क्या बनता है ध्येय, इसी प्रकार क्या बन गया हमारे पास यद्यपि ठीक है। अब अगर यहाँ आ जाए, अब आपकी बात ये आ जाएगी सर, हम जैसे ये शब्द आ गया यद्यपि, इसकी संधि विच्छेद कैसे करेंगे, इसकी संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो याद रखना इसका मूल शब्द क्या होता है, हमें मूल शब्द पहचानना होता है, मूल शब्द पहचानना होता है। मूल शब्द इसमें है यदि, ये तो मैं जानता हूँ यदि है, आप नहीं जाने तो याद रहे, जहां कोई विकार उत्पन्न हो रहा हो, जहां कोई दोष उत्पन्न हो रहा हो, बस वही उसी जगह क्या होता है संधि शब्द होता है, वह संधि, हाँ संधि शब्द होता है वहां, तो वहां से संधि हो उसी जगह क्या है मानी जाती है, संधि मानी जाती है। तो यहाँ देखो ध्येय और ध्येय है, तो ध्येय मिलकर किसे बना, ध्येय हो रही है, तो अब हमें ये चीज मालूम होगी ध्येय हो रही है मिलकर ध्येय बनता है, तो इसका मतलब यही है, तो यह ध्येय आ गया ठीक है। अब ये कहां से बना, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, ये बना यहां से क्या ई और ऐसे बराबर क्या बनता है ये, तो यहां से संधि विच्छेद होगी, तो यहां से इसका मूल शब्द क्या हो गया यदि, क्या हो गया इसका यदि, मूल शब्द यदि हो गया, तो यदि हो गया तो किसी वजह यदि धन अपि, ये हमारी संधि विच्छेद हो जाएगा इसका। और जबकि जबकि हमारे पास दो यहाँ
शब्द है उन दोनों शब्दों को क्या संधि विच्छेद करनी है, दबाना संयोग करना है, संधि बनानी है। तो ई धन ए बराबर ये यदि ये अपि मूल शब्द क्या बन गया यद्यपि यद्यपि। ठीक है भाई। हाँ इसी प्रकार देखो इति धन आदि, इति धन आदि ई इति का अंतिम वर्ण ई स्वर है आ आ ये ई धन आ बराबर क्या बन गया ये इतिये ई आदत है तेमस ई में ती में से ई चला गया तो आदत बच गया और ये आई गया आ गया आ आ गया आ और दी स्थिति है इत्यादि। ठीक है भाई। इसी प्रकार नदी धनस्ति, इसी प्रकार नदी धनस्ति नदी में ई की मात्रा बड़ी ई धन है बराबर ये न दे ये धन अस्ति क्या बन गया नदे अस्ति अर्थात नदी अस्ति अभ्यस्ति 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 दोनों एक ही है। हाँ मधु धनारी मधु में उ की मात्रा है उ धन ए बराबर क्या बनता है व क्या बनता है भाई व तो मैं धै उ की जगह क्या आ गया व आ गया ए री अरी क्या बन गया मधुरी। हाँ इसके आगे और हमें उदाहरण देखते हैं और मैं आपसे दो तीन उदाहरण दूंगा करने के लिए जो आपको करने भी हैं। पहले मैं एक एक उदाहरण बता देता हूँ। आगे देखो आप अभियो धन साधु धन आदेश है साधु धन आदेश है साधु में छोटा की मात्रा है उ धन आ बराबर क्या बनता है वह उ धन आ बराबर क्या बना वह क्यों बना क्योंकि यहाँ कौन संधि है यण संधि है तो यण आदेश हो जाता है तो वह एक यण आदेश है। ठीक है तो इस तथ्य हमारे सामने आ गई शा धै धै में उ वु है वु में से उ की मात्रा की आदत है वह आदेश क्या बन गया भाई साधु आदेश। ठीक है पितृ धन आदेश पितृ में रे आधा आ रे धन आ बराबर क्या बन गया रे तो पी पी ठीक है ते त्री तो मैं यहाँ त्री ध्यान दो यहाँ रे की जगह पे त्री कर सकता हूँ यहाँ तो आधा तय बन जाएगा नीचे। हाँ ये हो सकता है भैया ध्यान दो इधर त्री के लिए त्री से आधा तय बन जाएगा यहाँ रे चला जाएगा त्री का री आ जाएगा तो री हाँ अब तय से सोच गया है यहाँ री की मात्रा ये भाई ये तय है तो ये री की मात्रा है यहाँ तो आधा तय बन गया से यहाँ और रे ये हो गया पितृ धन आदेश बराबर क्या बन गया पितृ आदेश। त्रय कैसे बना है तो आदोत्तय और रे बराबर क्या बनता है त्रय तो क्या बन गया पितृ आदेश। इसी प्रकार देखो लाकृति लृ धन आकृति लृ धन आकृति लृ अगर ल जहाँ आता है लृ धातु होती है उसके आगे असमान स्वर आ जाता है तो लृ का क्या हो जाता है ल क्या हो जाता है ल हो जाता है। तो इसी प्रकार देखो लृ की जगह ल और आकृति की आकृति क्या बन गया लाकृति। इसी लृ धन आता है तो लृ की जगह क्या बन जाता है लृ धन ए बराबर क्या होता है ल तो ल धन आता है बराबर लकार है। इस प्रकार हमारे इसके क्या है ये सभी के उदाहरण हैं कुछ उदाहरण में आपको करने के लिए साधने के लिए देता हूँ जो आपको करने हैं तो नोट करना इनको लिखना आप सभी वीडियो है आप देख लेना कॉल करके तेरे इसको वापस लिखना है आपको।
है, संधि का नाम लिखना है, संधि का नाम भी। और ये पूर्ण करना है।